हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइन एंड आर ट्रांसवर्सल, समानांतर रेखा और एक त्रयक रेखा। तो पहले तो त्रयक रेखा को समझते हैं, ट्रांसवर्सल को समझते हैं। तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, मैं हिंदी में बोल रहा हूं। वह लाइन जो दो या दो से अधिक लाइनों को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है त्रयक रेखा कहलाती है। ठीक है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स डिफरेंट लाइन ऑन डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ठीक है, जैसे कि फिगर में आपको यहाँ नजर ही आ रहा है, एक लाइन M और एक लाइन N है, जिसको एक लाइन L दो अलग अलग पॉइंट्स पर यहाँ कट कर रही है। ठीक है, तो ये जो लाइन L है ये इनकी ट्रांसवर्सल है, ये इनकी त्रयक लाइन है। ठीक, अब ये जो लाइन है इन अलग अलग लाइनों के साथ कुछ एंगल्स के पेयर्स बनाती है, कुछ कोणों के जोड़े बनाते हैं। पहले उनको जानेंगे और फिर समानांतर रेखा होने पर उनमें क्या संबंध होता है वो जानेंगे। चलिए, ट्रांसवर्सल की बात हुई, फिर हम आते हैं पैरेलल लाइन, समानांतर रेखा पर। समानांतर रेखा क्या होती है? जब दो लाइन किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को ना काटे, पहली बात है, या उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, समकोणीय दूरी है, वो हमेशा क्या होती है, समान रहती है हर पॉइंट पर, तो उन लाइन को हम पैरेलल लाइन और समानांतर रेखा कहते हैं। तो आइए इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज को जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आपके लिखा हुआ है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम बाह्य कोण भी बोलते हैं। तो एंगल 2 और एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है। एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 6। ठीक है, दूसरा एंगल 1 कॉरस्पॉन्ड टू एंगल 5। एंगल 3 कॉरस्पॉन्ड टू एंगल 7 एंड एंगल 4 कॉरस्पॉन्ड टू एंगल 8। तो इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस ये क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। अगर समानांतर रेखा के केस में ये कोण है आपके कॉरस्पॉन्डिंग कोण, ये बराबर होते हैं। ये आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक। नेक्स्ट है आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अंतः एकांतर कोण। तो ये कोण कौन कौन से हैं? एंगल 3, एंगल 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल 4, एंगल 6 भी आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये पहचानिए कि ये जेड बना रहे होंगे, उल्टा या सीधा किसी भी तरह से, तो आप इनको पहचान लेंगे। और इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, समानांतर रेखा के केस में अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, ऐसा आप नोट करके रख लीजिए। ठीक है, काफी काम आएगा आगे क्वेश्चन पर। फिर है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का पेयर कौन कौन सा है? एंगल 2, एंगल 8 के ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है। एंगल 2, एंगल 8, इसी तरह से एंगल 1 और एंगल 7, ये आपके ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं। वाई या एकांतर कौन? और इन केस ऑफ पैरेलल लाइन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम, समानांतर रेखा के केस में हमारे बाह्य एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, फिर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, त्रयक रेखा के समान अंतः कोण। ठीक है, इनको आप संगत कोण भी बोल देंगे, संगत अंतः कोण। ठीक है, तो संगत अंतः कोण कौन कौन से हैं यहाँ पर? एंगल 3, एंगल 6, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 3, सॉरी
एंगल से, एंगल फोर, एंगल फाइव, ठीक है। और इन केस ऑफ पैरेलल लाइन सम ऑफ दीज एंगल्स इज 180 डिग्री। याद रखिए समानांतर रेखा के केस में इनका योग 180 अंश होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसी का एक दूसरा नाम भी है जो आपके सेम साइड इंटीरियर एंगल्स हैं, कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, लीड एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स, ये सब एक ही के नाम है और समानांतर रेखा के केस में इनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये वही है जो आपने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। फिर कॉन्सिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल्स और को एक्सटीरियर एंगल्स, तो जिस तरह से अंतः कोण थे सेम साइड, इसी तरह से आपके एक्सटीरियर कोण भी हैं, है ना। बाह्य कोण एंगल 2, एंगल 7, एंगल 2, एंगल 7 आपके बाह्य कोण है, एंगल 1, एंगल 8, ठीक है, को एक्सटीरियर एंगल्स हैं और इनका संधि 180 अंश होता है जब लाइन आपकी पैरेलल हो। समानांतर रेखा के केस में इनका योग 180 अंश आता है, ठीक है। तो ये बातें आप थोड़ा ध्यान से सुनिए और इनको जैसे जैसे आप अप्लाई करेंगे ये आपको याद भी हो जाएंगे और इनका यूज बहुत ज्यादा होता है ज्योमेट्री में, तो इनको ठीक से दिमाग में बैठा लीजिए। इनके प्रूफ तो हम करेंगे ही अभी, लेकिन प्रूफ तो अगर आपके एग्जाम में आता है तब के लिए है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में इनको डायरेक्ट यूज करना है तो ये आपको मेमोराइज होनी ही चाहिए। चलिए थ्योरम 6.2 प्रूफ करते हैं। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। यदि एक त्रियक रेखा दो समानांतर रेखाओं को दो बिंदुओं पर काटती है तो उनके अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो आइए जो लैंग्वेज बोल रहा हूं लिखते जाइए। सपोज आपको गिवन है टू पैरेलल लाइन ए बी एंड सी डी और ट्रांसवर्सल, सपोज पॉइंट है इस ट्रांसवर्सल पर ई एफ, इंटरसेक्ट ए बी एट पी एंड सी डी एट यू, ओके। दो समानांतर रेखा आपको दी गई है ए बी एंड सी डी, एक त्रियक ई एफ रेखा ए बी को पी पर काटती है और रेखा सी डी को क्यू पर काटती है, ठीक है। यू हैव टू प्रूव एंगल बी पी क्यू इज सेम एज एंगल सी क्यू पी और एंगल ए पी क्यू इज सेम एज एंगल डी क्यू पी, ओके। मतलब पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज सेम एज दिस एंगल, ये आपको प्रूफ करना। तो आइए प्रूफ करते हैं, थोड़ा ध्यान से आराम से सुनिएगा। क्या देखिए, एंगल बी पी क्यू इज सेम एज एंगल ए पी ई क्यू, एंगल बी पी क्यू इज सेम एज एंगल ए पी ई बिकॉज दे आर वर्टिकल अपोजिट एंगल, ओके। एंड एंगल सी क्यू ए, एंगल सी क्यू ए इज सेम एज एंगल ए पी ई बिकॉज ऑफ पैरेलल साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, समानांतर रेखाओं के संगत कोण हैं, इसके कारण ये दोनों कोण भी क्या होंगे आपके बराबर होंगे, ठीक है। तो आप इसको अगर आप फर्स्ट मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और ये आपका इक्वेशन सेकंड है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एंगल बी पी क्यू
इज सेम एज एंगल सी क्यू ए, कोण पी पी क्यू बराबर कोण सी क्यू ए, और यही आपको प्रूव करना था। ये देखिए बी पी क्यू और ये सी क्यू ए ऑल्टरनेट एंगल्स आपके दोनों इक्वल आ गए। आइए टर्म 6.3 देखते हैं। If a transversal intersects two lines such that a pair of alternate interior angles is equal, then the two lines are parallel. यदि दो रेखाओं पर एक त्रियक रेखा दो अंतःएक अंतर कोण समान बनाती है तो वो रेखाएं समानांतर होती हैं, ऐसा इस थ्योरम में आपको बताया गया है। आइए इसको प्रूफ करते हैं, नोट करते जाइए। सपोज यू हैव टू गिवन टू लाइन्स ए बी सी डी एंड अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट ए बी एट पी एंड सी डी एट क्यू एंड गिवन एंगल बी पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल सी यू पी। आपको गिवन है अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है आपके एंड You have to prove line AB parallel to P. आपको प्रूव करना है कि रेखा AB समानांतर है रेखा CD के। तो पहले तो ये जो आपको कि मैंने वो लिख लीजिए, एंगल BPQ is equals to angle CQP. Okay? गिवन है ये आपको, ब्रैकेट में आप डाल सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल वैसे ही लिख के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे कि आपको एग्जाम में लिखना है। This angle is equal to this angle. क्यों? देखते हैं जी। Angle BPQ is same as angle APO. तो नाम ये नहीं है। Suppose transversal पर ये आपका E point है और ये point आपका F है। तो angle APE. Okay? Because of vertical opposite angle. इन मैग्नीट्यूड। फिर यहां अगर आप ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ये इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एंगल सी क्यू पी इज सेम एज एंगल ए पी ई। फर्स्ट एंड सेकंड में आपने देखा ये भी बी पी की क्यू के इक्वल है और ये भी बी पी क्यू के इक्वल है, तो आपस में ये दोनों भी इक्वल होंगे। यही आपको प्रूफ करना था एक तरह से, क्योंकि ये आपके संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं तो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल। दैट्स व्हाई देयरफॉर लाइन ए बी एंड सी डी आर पैरेलल ना, बिकॉज ऑफ corresponding angles are equal. ठीक है, तो ये प्रूफ हो चुका है। जब आपके दो एकांतर कोण बराबर हो तो आपकी रेखाएं समानांतर होती है। When two alternate interior angles are equal, then lines are parallel. तो ये कन्वर्स था आपका थ्योरम 6.2 का, तो इसको हमने एज ए कन्वर्स भी इसको प्रूफ किया। ओके आइए स्टूडेंट्स थ्योरम 6.4 को प्रूव करते हैं। थ्योरम आपको कहती है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। यदि एक त्रियक रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो उसके एक ओर के कोण संपूरक होते हैं, यानी कि उनका योग 180 होता है। आइए जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वैसे आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए। सपोज आपको गिवन है टू समानांतर रेखाएं ए बी एंड सी डी, यू हैव टू गिवन टू पैरेलल लाइन ए बी एंड सी डी एंड अ ट्रांसवर्सल ई एफ इंटरसेक्ट ए बी एट पी एंड सी डी एट क्यू। एक त्रिक रेखा ई एफ जो ए बी को
बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है और CD को बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करती है. ओके, देन यू हैव टू प्रूव एंगल BPQ प्लस एंगल BQP इज 180 डिग्री इन सप्लीमेंट्री और एंगल APQ प्लस एंगल CQP is also 180 degree. Okay, proof. यहां देखिए एंगल APE एंड एंगल CQP इक्वल है, तो इसको हम x सपोज कर लेते हैं, सपोज दिस इज x एंड दिस इज ऑल्सो x. इक्वल क्यों है? क्योंकि दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल साइड्स हैं और संगत कोण है समानांतर रेखाओं में. सेम एज एंगल ए पी क्यू एंड एंगल सी क्यू एफ इज ऑल्सो इक्वल, तो इसको हमने सपोज कर लिया ये वाई डिग्री है. ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर सीधे, ये आपने माना है ऐसा तो लिख भी दीजिए कि एंगल ए पी ई इज सेम एज एंगल सी क्यू पी इज इक्वल्स टू एक्स एंड एंगल ए पी क्यू इज सेम एज एंगल सी क्यू एफ इज इक्वल्स टू वाई. से रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ पैरेलल साइड, समानांतर रेखाओं के संगत कोण बराबर होते हैं और जैसा कि आप जानते हैं एंगल ए पी ई प्लस एंगल ए पी क्यू इज 180 डिग्री, लीनियर पेयर और स्ट्रेट लाइन एंगल्स. एंड एंगल सी क्यू पी प्लस एंगल सी क्यू एफ इज ऑल्सो 180 डिग्री, लीनियर पेयर. इसके बाद आप इन दोनों को अगर प्लस कर देते हैं तो देखिए ए पी ई एक्स इक्वल था तो आप एक्स डाल दीजिए, प्लस ए पी क्यू वाई के इक्वल है तो वाई डाल दीजिए, प्लस सी क्यू पी एक्स के इक्वल है और सी क्यू एफ वाई के इक्वल है और इन दोनों को एक्स 180 ये आपको रिजेक्ट किया जाएगा. तो 2x प्लस 2y आपको 360 मिल रहा है, तो इसलिए x प्लस y आपको मिल जाएगा 180 डिग्री, मीन्स इन दोनों का समर 80 आ गया. तो ये सेम साइड एंगल्स होगा ट्रांसवर्सल के, तो यही आपको प्रूव करना था. तो एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल सी क्यू पी इज 180 डिग्री, मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री. ओके, तो ये प्रूव करना था. दूसरा पेयर आप प्रूव कर सकते हैं इजीली, जैसे मैंने आपको ये करके दिखाया है उसको आप करके देखना घर पर और वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिए अगर बात आपको क्लियर नहीं है. स्टूडेंट्स, थ्योरम 6.5 करते हैं. इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल. यदि एक त्रियक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो उसके एक ही ओर बनने वाले कोण संपूरक होते हैं तो वो लाइन पैरेलल होंगी, ऐसा इस थ्योरम में आपको बताया गया. आइए शुरू करते हैं. जो लैंग्वेज में फिगर आउट करते समय बोल रहा हूँ वही आप नोट कीजिए अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. चलिए शुरू करते हैं. सपोज टू लाइन्स ए बी एंड सी डी आर गिवन. अ ट्रांसवर्सल ई एफ इंटरसेक्ट ए बी एट पी एंड सी डी एट क्यू एंड एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल बी क्यू पी इज 180 डिग्री, क्योंकि या सप्लीमेंट्री और एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल सी क्यू पी इज ऑल्सो 180 डिग्री. हिंदी में बोल रहा हूँ एक बार. रेखा ए बी और सी डी दी गई हैं. एक त्रिक रेखा ई एफ ए बी को बी पर
और CD को Q पर प्रतिच्छेद करती है। कोण BPQ प्लस कोण DQP इज इक्वल टू 180 एंस, कोण APQ प्लस कोण CQP इज इक्वल टू 180 एंस, क्योंकि दोनों कोण संपूरक है, संपूरक का मतलब उनका योग 180 एंस होता है। ये हम पहली क्लास में आपको बता चुके हैं, आप पहली क्लास देखिए, अगर आपने वो नहीं देखी है तभी इसको कीजिए। यू हैव टू प्रूव, आपको सिद्ध करना है AB इज पैरेलल टू CD, AB समानांतर है CD। आइए प्रूव करते हैं। प्रूफ, प्रूफ में देखिए, जैसे कि आप जानते हैं एंगल APE प्लस एंगल APQ इज 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर और स्ट्रेट लाइन एंगल। अब यहां सपोज कर लेते हैं, सपोज एंगल APQ इज x, मान लिया हम एंगल APQ इज x लेते हैं, और जैसा कि आपको दिया गया है एंगल APQ प्लस CQP इज 180 डिग्री, देन APQ की जगह आप यहां x को कर सकते हैं, x प्लस एंगल CQP इज 180 डिग्री, देन एंगल CQP इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। आई होप समझ आ रही है बात आपको। अब देखिए एंगल CQP इज 180 माइनस एक्स आपका आ गया है, ये एंगल 180 माइनस, अब लीनियर पेयर के हिसाब से आप देखें तो एंगल CQP प्लस एंगल CQF इज 180 डिग्री, CQP की जगह आप डाल सकते हैं 180 माइनस है प्लस एंगल CQF इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 से 180 आपको कैंसिल हो जाएगा और एंगल CQF इज इक्वल टू x आप। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एंगल APQ एंड एंगल CQF दोनों x के इक्वल हैं, दैट्स व्हाई एंगल APQ और एंगल CQF आर सेम फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, दैट्स व्हाई AB इज पैरेलल टू, रीजन क्योंकि आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं इसलिए ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, ठीक है। और आप बोल सकते हैं संगत कोण बराबर हैं इसलिए दी गई रेखाएं समानांतर हैं, ये आपको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया है। आइए अगली टर्म पर चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आइए टर्म 6.6 करते हैं। लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, एक ही लाइन में समांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, ऐसा थ्योरम में आपको बोला गया है, इसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आइए करते हैं। सपोज गिवन लाइन ए पैरेलल टू लाइन एल, एल पैरेलल टू लाइन एम, लाइन एम पैरेलल टू लाइन एन, to prove लाइन के पैरेलल टू एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन, मीन्स लाइन के पैरेलल टू लाइन एन, लाइन के पैरेलल टू लाइन एम, एल लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एन, ओके। प्रूफ, सपोज इन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एस, एंगल एम एक्स क्यू इज 135 डिग्री एंड एंगल एम बाई आर इज फेस 40 डिग्री, देन फाइंड एक्स एम वाई, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए दो लाइंस पैरेलल हैं, यहाँ आपको ये एंगल रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे जल्दी से दिमाग में थोड़ा सा आ जाना चाहिए आपको आइडिया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और अभी आपने फॉर्म पढ़ा है जस्ट इसके ऊपर कि अगर पी क्यू आर एस पैरेलल हैं और ये आपने किसी एक के पी क्यू के पैरेलल सपोज ड्रॉ करी है तो ये आर एल आर एस से भी पैरेलल लाइन होगी। अब क्योंकि पी क्यू और ये लाइन आप जो भी नाम इसका देना चाहते हैं दे दीजिए, सपोज दिस इज ई एंड एफ, तो पी क्यू और ई एफ समानांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस हैं, तो इनके सेम साइड इंटर एंगल का सम कितना आएगा 180 डिग्री, एक ही साइड बने दो कोणों का योग कितना होगा
180 डिग्री, ये सप्लीमेंट्री होता है जो थ्योरम आपने पढ़ा था। तो अगर ये 135 है ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री, चलिए लिख देते हैं ये 45 हो गया आपका। और क्योंकि ये 40 है और ये लाइन EF पैरेलल है RS के, तो इनके अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, ये 40 तो ये भी कितना आ जाएगा 40 डिग्री। और देखिए आपसे XMY पूछा था, तो XMY कंप्लीट एंगल कितना हो गया 45 + 40, दिस इज 85 डिग्री। ओके आई होप क्लियर है आपको ये। तो यहाँ पहले लिखिए ड्रॉन अ पैरेलल लाइन EF टू N एंगल MXQ प्लस एंगल XMF 180 डिग्री इन साइड हिल ऑफ ट्रांसवर्सल, दैट्स व्हाई एंगल दिस इज 135 डिग्री, दैट्स व्हाई एंगल XMF इज 180 - 135 एंड PQ इज पैरेलल टू EF एंड PQ इज पैरेलल टू R गिवन है ये आपने ड्रॉन किया बाय कंस्ट्रक्शन। दैट देयरफॉर PQ सॉरी EF इज पैरेलल टू R, अब ये पैरेलल है तो एंगल FMY सेम एज एंगल RY बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेलल साइड। तो एंगल XMY कितना आ जाएगा यहाँ से 40 डिग्री, देयरफॉर एंगल XMY इक्वल्स टू 45 + 40। हाय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल देन प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं के संगत कोणों को बाइसेक्ट करे और वो बाइसेक्टर्स पैरेलल हो तो वो दो रेखाएं भी पैरेलल होंगी। बाइसेक्टर्स का मतलब कोणों के अर्थक, अगर वो कोणों के अर्थक आपके समानांतर हो तो वो रेखाएं भी समानांतर होंगी। सपोज टू लाइंस ए बी एंड सी डी आर गिवन, अ ट्रांसवर्सल ई एफ इंटरसेक्ट ए बी एट पी एंड सी डी एट, एंगल बाइसेक्टर एंगल बी पी ई इज सपोज पी एम एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ डी क्यू पी इज सपोज क्यू एम। एंगल बाइसेक्टर मीन्स ये एंगल इक्वल है और ये एंगल एंड ऑल्सो गिवेन एंगल नहीं गिवेन पी एम पैरेलल टू क्यू एम आपको गिवेन है एंड टू प्रूव टू ए बी इज पैरेलल टू क्यू ये आपको प्रूव करना है। ठीक है आइए करते हैं प्रूफ। एंगल ई पी एम इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम, ठीक है, कॉज ऑफ पी एम पैरेलल टू क्यू एम इज गिवन ना, पी एम क्यू एन के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होने की वजह से आपके एंगल्स इक्वल है। ठीक है अब बोथ साइड टू से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टू एंगल ई पी एम इज इक्वल टू टू एंगल पी क्यू एम। तो ई पी एम का डबल ये कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इसका क्या था एंगल बाइसेक्टर था, हाफ एंगल अर्धक है, कंप्लीट एंगल बन जाएगा ये एंगल ई पी बी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एन का डबल पी क्यू डी। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ये क्या है आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ए बी और सी डी के। अगर कोई दो लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो लाइन्स क्या होती हैं पैरेलल होती हैं। इट मीन्स लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर पता लगा दीजिए बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके आई होप क्लियर है आपको। तो थ्योरम 9th और 10th के हिसाब से ये प्रूव करने के लिए एग्जाम में आ सकता है, बेसिकली 9th का है और डायरेक्ट रिजल्ट ये एसएससी वालों को याद रखना है। और एग्जाम में अगर आ भी जाता है तो यहाँ लिखने की तो
लिखना तो सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, कंपटीशन में अगर ये आता है किसी एप्टीट्यूड एग्जाम में आता है तो नजर आता है कि ये हाफ ऑफ इक्वल है, कंप्लीट भी इक्वल होगा, यानी कि लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे। तो बेसिक आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ये कहना है मेरा जो एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ज्योमेट्री के बेसिक्स जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे तो आपका कोई शॉर्टकट काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो हर क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स होगा, क्योंकि ये तो विजुलाइज करके ही आंसर आ जाते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बेहद जरूरी है, ऐसा आप मान कर चलिए। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि आपको फिगर में दिया गया है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड ए ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी। पहले तो मैं आपको कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करके बता रहा हूँ, फिर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यहाँ राइट डाउन भी करूँगा। तो यहाँ आप जल्दी से देखिए, ये सब पैरेलल है, ये क्लियर है। तो जब अगर आपको पता है कि ई एफ पैरेलल है सी डी के, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये एंगल आपको 55 मिल जाएगा, और इन दोनों का समझे कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, सॉरी इंटीरियर एंगल्स, तो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 55 है, तो ये कितना बचेगा, अगर 55 माइनस होगा 180 से तो 125। ये 125 है, अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये भी आ जाएगा 125। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, ये 125 ये कंप्लीट एंगल लीनियर पेयर है, यहाँ से भी आप दे सकते हैं ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो ये 55, और क्योंकि ये पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब ये 90 डिग्री, तो आपके पास ये 90, तो इन दोनों का सम भी 90 बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 35। तो ये 35 ये 90, तो ये कितना बचेगा आपके पास, सोच लीजिए, ये इधर से देख ले लीनियर पेयर है 125, तो कहीं से भी काफ़ी जगह से अंतर आपका निकल सकता है, तो ये 55 आना है। और वैसे भी यहाँ से देखेंगे ये कॉरस्पॉन्डिंग ये 55 है, तो ये भी 55 आना है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से भी आप देख सकते थे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल से भी आपको दे सकता था, ये 90 ये 35 तो ये 55, लीनियर पेयर से भी आपको नजर आ रहा था ये 125 तो ये 55। ओके, बहुत सारे व्यूज हैं देखने के लिए। इसी तरह से जैसे ये 55 है आपका, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये आपके पास 125 तो ये 55 बचेगा। एक्स वाई जेड की वैल्यूज आपकी आ चुकी हैं, एक्स इज 135, वाई इज ऑल्सो 125 एंड जेड इज 35। आइए लिखने के लिए लिख लेते हैं, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इसका। अगर एग्जाम में आपके आता है तो आपको पता है कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, इट मीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। तो अभी थ्योरम हमने पढ़ी है, अगर ये सी डी ई एफ के भी पैरेलल है और ए बी के पैरेलल है, इट मीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू, बस में तीनों लाइन पैरेलल होंगे। ठीक है, और ये पैरेलल हैं तो एंगल एफ ई वाई सॉरी एफ ई डी एंगल एफ ई डी प्लस एंगल वाई, ये वाला एंगल आप ले लीजिए अंदर वाला है ना, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन भी इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, ट्रायंगल ऑफ सेम साइड। अब एफ ई डी आपको पता है 55, तो ये 55 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 55 दैट इज 125 डिग्री। इसी तरह से एंगल एक्स की बात करेंगे आप, तो आपको पता है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो इसलिए एंगल वाई इज इक्वल्स टू एंगल एक्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल साइड, दैट्स वाई एंगल वाई आपको 125 आया है, तो एंगल एक्स भी क्या आ जाएगा 125 डिग्री। फिर आप ये भी देख सकते हैं ये 125, तो ऊपर वाला एंगल, या आप ये कहेंगे कि एक्सटीरियर एंगल है, ये अभी आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे वैसे आप आगे ना? तो दो इंटीरियर एंगल्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, तो यहाँ पर एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए ई
equals to 125 degree exterior angle of a triangle. तो यहाँ पर आपको ए ई बी पता है 35, सॉरी आपको बी ए सी पता है 90, और ए ई बी आपको निकालना है, तो बी ए सी हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो एंगल ए ई बी आपके पास आ जाएगा 125 माइनस 90 दैट इज 35, और यही आपकी जेड है, एंगल ए ई बी आपका जेड. तो लिखने के लिए आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है, और आंसर तो आपका फिगर के अंदर ही आ जाएगा, विजुलाइज करके ही आ जाएगा, अगर ये कॉम्पिटिशन में आता है तो, और अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको कंप्लीट ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है. ये मैंने आपको एक्सट्रा एंगल से बताया, आप ये भी कर सकते थे कि आप यहाँ को लीनियर पेयर से इस एंगल को निकाल देते, फिर सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल से आपको ये एंगल मिल जाता, ठीक है. आप ये भी कर सकते थे, यहाँ से ये 55 तो ये 55, तो ये भी सम ऑफ इंटर एंगल से आपको मिल जाता, ठीक है. तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, आई होप क्लियर है आपको. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. वेरी सिंपल क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी. अब आप यहाँ देखिए, आपका ये 50 है तो इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, तो ये भी 50 आएगा, ठीक है. 130 है तो इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये है, तो 130 आएगा. अब क्योंकि ये दोनों सेम साइड इंटीरियर एंगल्स हैं, इन दोनों का सम देखें तो हम 130 प्लस 50 180 डिग्री आ रहा है, और अगर सम 180 डिग्री आ रहा है, ये सप्लीमेंट्री है, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD, है ना, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आता है तो लाइंस पैरेलल होती हैं, या पैरेलल लाइंस के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है, तो दोनों तरफ से ये बात ट्रू है, तो प्रूफ हो गया. लिखने के लिए लिख लेते हैं, एंगल X इज इक्वल टू 50 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल, और x प्लस y इज इक्वल टू 130 प्लस 50 दैट इज 180 डिग्री, दैट्स व्हाई AB इज पैरेलल टू CD बिकॉज ऑफ सेम साइड इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट. क्लियर है आपको ये बात, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है, सप्लीमेंट्री है, इसलिए ए बी इज पैरेलल टू सी डी. सिंपल था, छोटा सा क्वेश्चन था, प्रूफ भी हो गया, सॉल्व भी हो गया. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ. ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, इट मीन्स ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ. चलिए पहले ओवरऑल प्रूफ करते हैं, विजुलाइज करके प्रूफ करेंगे. अब यहाँ पर आपको y और z के बीच रिलेशन दिया हुआ है, तो देखिए ये y है तो यहाँ पर ये y आएगा या ये y आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये y आ जाएगा या ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये y आ जाएगा, तो किसी को भी आप लिख लीजिए. अगर ये y आ जाता है तो फिर ये लीनियर पेयर बन जाता है, स्ट्रेट लाइन एंगल्स, तो इन दोनों का सम आएगा 180 डिग्री, इन दोनों का सम 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है 7, 3, 10, तो 10 180 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए 18 आ जाएगा आपका रेशियो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है. 18 मतलब जेड की वैल्यू आ जाएगी 18 × 3, जेड इज इक्वल टू 18 × 3 दैट इज 54 डिग्री, एंड जेड नहीं सॉरी ये है आपका वाई, एंड जेड इज इक्वल टू 18 × 7 दैट इज 126 डिग्री. जो आपको निकालनी थी ये ऐसे ही सॉल्व होना है, ये आप लिखेंगे एग्जाम में भी अगर आपके आता है एग्जाम में लिखने के लिए, और अगर नाइन्थ में आता है अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हैं. y रेस टू z इज 3:7 मीन्स y इज इक्वल टू 3 के z इज इक्वल टू 7. फिर आप लिखेंगे एंगल पॉइंट नहीं थी पॉइंट को नाम दे दीजिए ज़्यादा ठीक रहेगा, f चलिए p और ये q, ये आप देंगे, फिर ये भी आपको देने पड़ेंगे m n o. एंगल सी एन ओ इक्वल टू एंगल
एफ ओ एन क्यों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ये वाई के इक्वल आ गया, फिर वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री क्यों लीनियर पेयर और स्ट्रेट लाइन एंगल, फिर y का वैल्यू आपको पता है 3k प्लस 7k इक्वल टू 180 डिग्री, तो 37 10 के तो k इक्वल टू 18 डिग्री, अब k 18 आ गया तो यहाँ पर y है 3k तो 3 इंटू 10 30 डिग्री और ये 7 इंटू 3 इंटू 18 सॉरी एंड 18 इज 126 डिग्री ठीक है। और यहाँ फिर आप लिखेंगे x इज इक्वल टू y रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल साइड्स, इसलिए x इक्वल्स टू ये आपका आंसर, आपको क्लियर है। तो ओरल आंसर था, अगर आपका कंपटीशन में है लिखने के लिए मैंने आपको ये बता दिया कैसे आपको ये लिखना है ठीक है। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ ओरल आपका कैसे आ रहा है, देखिए ये x और y इक्वल होगा, y का अल्टरनेट एंगल ये आएगा तो ये भी इक्वल होगा, ये इधर से ये y आएगा ये भी इक्वल होगा, लीनियर पेयर से इन दोनों का सम 180 डिग्री आएगा और यहाँ पर जो y और z के रेशियो को समा रहा है वो 10, तो 10 अगर 180 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपकी रेशियो मल्टीप्लाइंग वैल्यू आ रही है 18 का मतलब 18 54 54 आपको y मिल जाएगा, 126 आपको z मिल जाएगा और y x के इक्वल था तो x भी आपको 54 डिग्री मिल जाएगा ओके। आपको क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, एंगल जी ई डी इज 126 डिग्री, एंगल जी ई डी दैट इज 126 डिग्री, फाइंड एंगल ए जी ई, व्हाट ए जी ई इस एंगल, एंगल आपको फाइंड आउट करना है, जी ई एफ जी E F angle and F G E, F G E you have to find out ठीक है। तो पहले ओरल करते हैं क्या हम कर सकते हैं, फिर लिख भी लेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप देखिए ये आपका 90 है गिवन ही है, ये भी 90 होगा तो, और ये आपको 126 दिया हुआ है कंप्लीट, इस 126 में से ये 90 अगर माइनस हो जाएगा तो आपको ये एंगल मिल जाएगा ओके, ये 36 आ जाएगा सीधा सीधा, तो क्लियर है आपको। अब आपके पास अगर ये 90 है ये 36 है ना, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल आना था, एच डी का एंगल है ठीक, तो ये 90 ये 36 तो मतलब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए था 90 होना चाहिए था, यहाँ कितना बच जाता है आप देख लीजिए, 90 से 36 माइनस कर देंगे तो आपको क्या बचने वाला है, बचने वाला है आपको 54 डिग्री, ये एंगल आपका 54 डिग्री आ जाता है। अब यहाँ आप देखेंगे तो वैसे भी यहाँ से नजर आ रहा था आपको, ये अगर पैरेलल लाइंस हैं और ये 126 डिग्री है तो ये इसका क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये भी कितना आएगा 126 डिग्री, और लीनियर पेयर से भी आप ले सकते हैं ये कंप्लीट एंगल 180 है, 54 180 से माइनस होगा तो 126 डिग्री ही आने वाला, तीनों एंगल्स आपके याद है। और एग्जाम में तो आपसे ये एक ही एंगल पूछता है, जो भी पूछ लेता है कभी कभी ना, तो बहुत ज़्यादा देर का क्वेश्चन है नहीं, इजी क्वेश्चन है। अब लिखने के लिए काम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे लिखेंगे, भाई लिख लेते हैं, तो यहाँ पर आपका एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ इज इक्वल्स टू एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी, तो जी ई डी इज 126 डिग्री माइनस एफ ई डी इज 90 डिग्री That is 30. फिर एंगल तो गिवन ही था आपको है ना, फिर एंगल आपको निकालना है एफ जी ई, एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू एंगल डी एफ ई माइनस एंगल जी ई एफ, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, यहाँ पर एंगल डी एफ ई कितना है 90 माइनस 36 ये आपको 54 डिग्री मिलने वाला है, और दूसरा एंगल ए जी ई इक्वल्स टू एंगल एफ ई डी सॉरी जी ई डी है ना, एंगल जी ई डी क्यों ऑल्टरनेट इंटीरियर
एंगल ऑफ पैरेलल साइड, तो एंगल ए जी ई कितना मिल जाएगा आपको 120, ये आपको 120 गिवन है, आपको फाइंड आउट करना था, ये आपका आ गया 2 डिग्री, ये आपका फाइंड आउट हो गया और 36, तो यही आपका क्वेश्चन था, ये हमने सॉल्व कर दिया। एग्जाम में जब आप ये क्वेश्चन करते हैं तो ये अलग से आपने अभिष्ट करके या रिक्वायर्ड करके यहाँ अलग से आप आंसर लिख कर बता दीजिए, रिक्वायर्ड कहीं जहाँ आपकी फ्रेश जगह हो, रिक्वायर्ड आंसर्स एंगल ई एफ एंगल एफ ई इक्वल्स टू, ये अलग से डार्क में आप दिखाएंगे लिखकर, तो थोड़ा सा इंप्रेशन आपका अच्छा जाएगा और राइटिंग थोड़ा सा आप लिखना मेरी तरह मत लिखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ आपको दिया हुआ है पी क्यू इज पैरेलल टू एच पी और एंगल पी क्यू आर इज 110 डिग्री एंड एंगल आर एच टी इज 130 डिग्री, फाइंड एंगल क्यू आर एस मीन दिस एंगल। ओके चलिए, यहाँ इन्होंने हिंट दिया है, वैसे जरूरत नहीं थी, अगर आप सीधे भी करेंगे तो समझ में बात आएगी। अब आपको ये एंगल निकालना है, पहले डायरेक्ट करते हैं जैसे हमें कॉम्पिटिशन में करना है, तो इस एंगल के लिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो अगर मैं देखिए ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लूँ टू आर, आर से पास होते हुए एक पैरेलल लाइन अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं तो ये एच टी के पैरेलल भी होगी और पी क्यू की पैरेलल भी होगी, क्योंकि पी की पैरेलल टू एच टी है, तो ये थ्योरम तो हम पढ़ ही चुके हैं पहले, है ना। अब सिंपल हो गया आपके लिए, आसान हो गई चीज़ें, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके जो सेम साइड इंटीरियर एंगल से उनका सम 180 डिग्री आएगा, ये 130 डिग्री है, ये आपको 50 डिग्री मिल जाएगा। इसी तरह से ये भी इसके सेम साइड एंगल्स हैं, ये 110 है तो ये आपको 70 डिग्री मिल जाएगा, क्योंकि टोटल 180 डिग्री आने वाला था। अब ये लीनियर पेयर है तो ये कंप्लीट एंगल का सम 180 डिग्री आने वाला है, तो इसमें 7 + 50 120 डिग्री, तो ये आपको 60 डिग्री बच जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विजुलाइज करके ही आंसर आ जाएगा, और ये पैरेलल लाइन ड्रॉ भी नहीं करेंगे, आप इमेजिन ही कर लेंगे दिमाग में, तो अभी आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि सीधे सीधे, क्योंकि 130, 50, 110, 70 तो ये 120 तो ये 60 बची गई है। ओके, और अगर आप लिखना ही चाहते हैं इसको तो लिखने के लिए पहले इसका एक नाम दे दीजिए लाइन का, सपोज दिस लाइन इज ई एफ दे देते हैं, एक नाम दे दीजिए जो यहाँ नहीं है पॉइंट, सॉल्यूशन में आ जाइए, तो ड्रॉन ई एफ पैरेलल टू पी और सी के साथ में लिख दीजिए पैरेलल टू पी के पैरेलल है तो एच टी के पैरेलल भी होगी ही होगी। नाउ एंगल ई आर क्यू इक्वल्स टू 180 - 110, रीजन सेम साइड इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल साइड, तो क्या आ जाएगा ये 70 डिग्री, सेम एज एंगल एफ आर एस इज 180 - 130 इज 50 डिग्री, और वाला ही रीजन है सेम साइड इंटीरियर एंगल, एंड एंगल क्यू आर एस इज 180 - 70 - 50 दैट इज 60 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन एंगल, लीनियर पेयर में पेयर मतलब दो ही एंगल होते हैं, तो स्ट्रेट लाइन एंगल मतलब समझे 180 डिग्री आता है, तो आपका आंसर आ चुका है, ये आपसे पूछा गया था 60 डिग्री। तो एग्जाम में आप इसको इस तरह से लिखेंगे और कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको उसका आंसर आपको बता दिया। ओके, लेकिन अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इजी अटेम्प्ट्स को पहले कीजिए, वो ध्यान से कीजिए, वो आपका वहाँ समय भी बचाते हैं और स्कोर भी आपको ज़्यादा करना, टफ अटेम्प्ट वहाँ 10% से ज़्यादा नहीं होता है, 10 से 15% तक हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो टफ क्वेश्चन भी करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन थ्योरी को कम्प्लीट करने के बाद टफ क्वेश्चन में होता क्या है, चीज़ें क्या होती हैं, मिक्सअप होती हैं, तो आपको उसके लिए पहले से सारी थ्योरी कंप्लीट क्लियर होनी चाहिए, फिर वहाँ हम पहुँचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में आपको दिया गया है इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है और ए पी क्यू इज 50 डिग्री, पी आर डी इज 127 डिग्री और x और y की वैल्यू निकालनी है।
चलिए पहले ओरल पर चलते हैं जल्दी से। देखिए ये 50 है, ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका अल्टरनेट एंगल है, तो y इज इक्वल टू 50 आ ही जाएगा, अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। ये इंटीरियर एंगल्स हैं दो, इनका सम 127 डिग्री के इक्वल आएगा x एंगल के, तो 50 डिग्री आ चुका है, बाकी बचा हुआ x की वैल्यू आ जाएगी। कितना बचेगा अगर आप यहाँ से माइनस करेंगे 50 डिग्री, 27 एंड 23, 3 मीन्स 77 डिग्री आपको x मिल जाएगा। ओके, दोनों का सम 127 डिग्री। दूसरे मेथड से भी आप देख सकते हैं, अगर मुझे मान लीजिए अभी तक ये नहीं पता कि एक्स एंगल टर्म क्या होती है, आगे आप जाके इसको प्रूव भी करेंगे, तो ये 50 बाई चुका अल्टरनेट से, और ये कितना हो जाएगा अगर आप यहाँ से आप देखेंगे, तो ये दोनों क्या हैं आपके सेम साइड इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये 127 डिग्री, 180 टोटल होगा, तो ये कितना बच जाएगा, ये आने वाला है आपको 53 डिग्री। अब लीनियर पेयर से इन सम का सम क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा, 53 एंड 50 टोटल हो गया 103, ये आपको कितना बचेगा 77 डिग्री। तो इस तरह से आप इसको करेक्ट कर लेंगे। आइए बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सॉल्यूशन भी लिख लेते हैं। तो एंगल ए पी क्यू इज सेम एज एंगल वाई, वाई लिख रहा हूँ, पूरा नाम लिख रहा है, बेहतर ए क्यू आर है, फिगर में आपको नजर ही आ रहा है, प्लस टू 50 डिग्री बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 50 डिग्री आ गया। फिर एंगल x प्लस वाई प्लस टू 127 डिग्री, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आ जाएगा। तो यहाँ y का वैल्यू 50 आपको पता है, तो एंगल x आपको मिल जाएगा 127 माइनस 50 डिग्री, दैट इज 77। और अगर आपको ये बात, जैसे एग्जाम में तो आप सारे टर्म्स करके जाते हैं, तो अगर आप ऐसे भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है, नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया, एंगल बी पी आर प्लस एंगल 127 डिग्री, 127 ये वाला एंगल है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, सेम साइड इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल, तो ये जगह माइनस होगा, तो एंगल बी पी आर प्लस टू 180 माइनस 127 दैट इज, एंड x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 माइनस 53 77 स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री, लिख के काफी हो जाएगा, वैसे भी आप कर सकते हैं लिखने के लिए। ओके, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो मैं 9th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस यहाँ आपको लिखकर दिखा रहा हूँ, कैसे वहाँ आपको लिखना है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेसिकली एस एस सी सी जी एल 2018 को लेकर मैं चल रहा हूँ, इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को आप कैसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन फिगर 6.33 पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, पी क्यू एंड आर एस ये प्लेस एंड पैरेलल टू, एंड इंसिडेंट रे दिस इज ए बी रे स्ट्राइक मिरर पी क्यू एट बी, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स, ये रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी, प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू, ए बी इज पैरेलल टू सी, ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है इसको मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, दो प्लेन मिरर दिए गए हैं ए बी पी क्यू और आर एस, पी क्यू एंड आर एस, सॉरी आर एस, और ये एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, ये इंसिडेंट रे है जो स्ट्राइक कर रही है पी क्यू को बी पर, फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होकर ये स्ट्राइक करती है आर एस को सी पर, तो बी सी इंसिडेंट रे हो गई आर एस के लिए और फिर रिफ्लेक्ट करती है सी डी, है ना, पाथ पर, ठीक है। तो जैसा कि फिजिक्स में आपने पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ से दो परपेंडिकुलर पहले आप ये ड्रॉ कीजिए, अब ये जैसे आपने ड्रॉ किए परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई वन, इसके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर टू के इक्वल है, आर वन के इक्वल आएगा बाई फिजिक्स, और इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई टू, इसके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल आएगा आर टू के। तो यहाँ ध्यान से देखिए ये दोनों मिरर्स आपके क्या थे, पैरेलल थे,
तो पैरेलल होने की वजह से आप इस को देखेंगे तो इसके ट्रांसवर्सल होगी और ये ट्रांसवर्सल है, तो जो इसका आर वन एंगल है ये अल्टरनेट है आई टू। ये क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 और ये भी 90 की वजह से ये दोनों रे भी क्या आएंगे आपको परपेंडिकुलर से पैरेलल आएंगे, और पैरेलल आएंगे कौन सी अल्टरनेट एंगल होने की वजह से आर वन और आई टू इक्वल आ जाएंगे नंबर एक, और आर वन इक्वल टू है आई वन के और आई टू इक्वल टू है आर टू के, तो बेसिकली आई वन प्लस आर वन इज इक्वल टू आई टू प्लस आर टू, देखिए टू हो गया। अब ये दो रे हैं, ये इनके ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों का सम इनका अल्टरनेट एंगल हो गया, और अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल हो गए तो लाइन आपकी पैरेलल हो गई, ठीक है। ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूफ हो गई, ये ओरल से हमने कर लिया, लिखने के लिए लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ आई वन आर वन ये तो आप मानेंगे, बोल सकते हैं अगर आप लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, सपोज एंगल का कुछ नाम दे दीजिए, सपोज दिस इज बी एम, एंगल ए बी एम प्लस टू आई वन प्लस टू एंगल एम बी सी प्लस टू आर वन। रीजन बाई फिजिक्स लिख देता हूँ मैं, वैसे आप और भी कुछ लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आप लिख सकते हो, लिख सकते हैं। सिमिलरली फिगर, इन फिगर मेंशन कर, जो आपका एग्जामिनर है वो भी कंफ्यूज होगा, ठीक है। फिर बी एम इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, दैट्स वाई बी एम इज पैरेलल टू आर, बिकॉज ऑफ पी क्यू इज पैरेलल टू आर, पैरेलल है तो ये भी पैरेलल होंगे, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, तो इनको अगर आप कंप्लीट करेंगे तो आपके इंटीरियर सेम साइड एंगल का सम क्या आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। या ये देखेंगे तो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या आ जाएंगे, यहाँ जैसे इसको आपने आप मान लीजिए कंप्लीट कर लिया, तो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो लाइन्स क्या होती है पैरेलल, जैसे पैरेलल है। फिर अगर ये पैरेलल हैं तो आर वन इज इक्वल टू आई टू, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ बी एम पैरेलल टू, अब ये इक्वल हो गए तो सीधी बात हो गई, इसलिए आर वन इज इक्वल टू आई टू, तो आर वन किसके इक्वल था आई वन के इक्वल था, आई वन प्लस आर वन प्लस टू आई टू प्लस आर, तो यहाँ पर आप एक आर वन और प्लस करेंगे, यहाँ एक आई टू और प्लस करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, बराबर ही आएंगे ना, या टू आर वन इज इक्वल टू आई टू आएगा, और R1 की जगह आप I1 लिख सकते हैं और I2 की जगह R2 लिख सकते हैं, बेसिकली ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल इक्वल आ गया, देयरफॉर AB पैरेलल टू रीजन बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर डी। अगर आपको चीज एक बार में समझ में आ रहा है तो एक बार देखिए, नहीं आता है तो रिवाइंड करके फिर से देखिए, बहुत ईजी है, आसान है, लिखने कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी किस तरह से आपको लिखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके आंसर ये आ जाएगा, जो भी आपका रिक्वायर्ड आंसर आता है लास्ट में जो प्रूफ आता है उसको आप ये चार्ट से करके अलग से ट्रायंगल में दिखा दीजिए, सॉरी रेक्टेंगल में दिखा लीजिए, तो उससे एग्जामिनर को थोड़ा क्लियर आंसर आपको सामने नजर आ जाता है, तो आपको मार्क्स थोड़ा जल्दी दे देता है, ठीक है। एग्जामिनर के हिसाब से आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर करनी होती हैं, तो वो उन चीज़ों को पॉइंट आउट कर दिए इसको वो देखना एग्जाम में चाहता है। आइए आगे बढ़ते हैं।